गुड मॉर्निंग एवरी वन, आई एम रितु कौशिक, असिस्टेंट प्रोफेसर इन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट फ्रॉम RPIT कैंपस करनाल। टुडे इज आवर टॉपिक बैटरेस डैम। इट इज द अनदर टाइप ऑफ डैम विच आर बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ डैम। इन आवर लास्ट वीडियो ग्रेविटी डैम, अर्थ डैम एंड आर्च टाई डैम हम पढ़ चुके हैं। अभी ये हमारा लास्ट टाइप है बैटरेस डैम। देर आर द थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ बैटरेस डैम। फर्स्ट वन डैक टाइप। बैटरेस का मीनिंग क्या है कि आप लोगों ने जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ डोर में पढ़ा, जो वर्टिकल मेंबर होता है जो डोर को सपोर्ट करके रखता है, दैट इज नोन एज द बैटरेस। तो सेम प्रोसीजर इसी में भी रहेगा। डैम जो आप बनाते हो उसको एक वर्टिकल मेंबर सपोर्ट करेगा जिसको आप बैटरेस बोलते हो, ठीक है, दैट इज नोन एज द बैटरेस डैम। तो इसमें जो थ्री टाइप है, फर्स्ट वन हमारे पास डेक टाइप, जो कि जो बैटरेस है वो डेक टाइप में रहेगी, मल्टीपल आर्च टाइप, और फिर थर्ड हमारे पास मैसिव हेड टाइप। ए डेक टाइप बैटरेस डैम कंसिस्ट ऑफ ए स्लोपिंग डेक सपोर्टेड बाय बैटरेस, जो कि आपको पिक्चर से अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आपके पास एक स्लोपिंग मेंबर है, ठीक है, जिसको हम डेक टाइप बोल रहे हैं। इन ए मल्टीपल आर्च टाइप बैटरेस डैम द डेक स्लैब इज रिप्लेस्ड बाय हॉरिजॉन्टल आर्च। क्या कहा इसने कि मल्टीपल आर्च टाइप में जो डेक स्लैब है वो आपको किस में कन्वर्ट कर दिया, हॉरिजॉन्टल आर्चेज में सपोर्टेड बाय बैटरेस। इन ए मैसिव हेड टाइप बैटरेस डैम देर इज नो डेक स्लैब, इंस्टीड ऑफ द डैक द अपस्ट्रीम एज ऑफ द बैटरेस, बैटरेस सबसे ऊपर वाले एज पर आर फ्लैट टू फॉर्म मैसिव हेड होते हैं, वी स्पैन द डिस्टेंस बिटवीन द बैटरेसेज। देखिए जैसे ये है हमारे पास, ये हमारे पास डेक स्लैब है ऊपर वाली, तो यहाँ पे मल्टीपल आर्चीज है, ये वर्टिकल मेंबर है, वर्टिकल मेंबर जिसको हम क्या बोलते हैं, बैटरेस। तो बटरेस के साथ जो डिफरेंट मल्टीपल टाइप हमारे पास आर्चेज है, दैट इज नोन एज द मल्टीपल आर्च टाइप बटरेस डैम। ये हमारे पास डेक टाइप है, सिर्फ एक सिंपल डेक स्लैब हमारे पास, एक वर्टिकल मेंबर है जिसको बटरेस बोल रहे हैं, तो डेक टाइप हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये मैसिव हेड टाइप है। नेक्स्ट है हमारे पास जियोलॉजिकल कंसिडरेशन इन द सिलेक्शन ऑफ ए डैम। जब आप एक डैम का सिलेक्शन करते हो तो कौन कौन सी कंसिडरेशन, जियोलॉजिकल कंसिडरेशन होती है। केयरफुल जियोलॉजिकल स्टडी ब्रिंग आउट द इनहेरेंट एडवांटेज ऑफ एनी साइट सिलेक्टेड फॉर ए डैम एंड इट ऑल्सो रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द डैम कंसिडरेबली। अगर आपको जियोलॉजिकल स्टडी है, मतलब उस एरिया की आपने स्टडी कर लिया, तो क्या होगा, एक तो जो आप स्ट्रक्चर वहाँ पर बनाओगे आसानी से, मतलब उसके जो एडवांटेज हैं वो आपको पता चल जाएगा, दूसरा कॉस्ट है जो वो थोड़ी कम हो जाएगी। द इम्पोर्टेंट जियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट दैट शुड बी कंसिडर्ड इन द सिलेक्शन ऑफ डैम साइट आर, फर्स्ट वन नैरो रिवर वैली, सेकंड अकरेंस ऑफ द बेड रॉक एट ए सैलो डेप्थ, थर्ड हमारे पास कॉम्पिटेंट रॉक टू ऑफर ए स्टेबल फाउंडेशन, फोर्थ हमारे पास प्रॉपर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। जब हम किसी भी जो डैम की साइट का सिलेक्शन करते हैं तो हमारे पास ये फोर पॉइंट है जिनको हम कंसीडर करके चलेंगे। फर्स्ट में क्या कहता है, जैसे हमारे पास नैरो रिवर वैली, इफ द प्रपोज साइट कंटेन ए नैरो रिवर वैली ओनली ए स्मॉल डैम इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर रिवर है जो बहुत मतलब कि एरिया काफ़ी कम है उसके पास, तो वहाँ पर एक स्मॉल डैम रिक्वायर्ड है, सफिशियंट है, विच मीन्स द कॉस्ट ऑफ द डैम कंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो विल बी लेस। तो अगर डैम आपने छोटा बनाया है तो कॉस्ट भी उसकी कम ही होगी। ऑन द अदर हैंड इफ द वैली इज वाइडर, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट विल बी वेरी हाई एंड मेंटेनेंस ऑफ द डैम विल ऑल्सो बी हाई। अगर वैली बहुत चौड़ी है तो उस केस में क्या रहेगा, डैम भी काफ़ी बड़ा बनेगा, डैम काफ़ी बड़ा बनेगा, कॉस्ट उतनी होगी, मेंटेनेंस भी उतनी होगी, क्लियर है। ऑकरेंस ऑफ बैड रॉक एट सैलो डेप्थ, इफ द डैम रेस्ट ऑन वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल रॉक, अगर जो फाउंडेशन एरिया है वो स्ट्रॉन्ग पर है, तो द स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी ऑफ द डैम विल बी वेरी हाई, दिस ऑल्सो रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ डैम, ऑन द अनदर हैंड द डैम कॉस्ट विल बी हाई एंड वर्क ऑफ एग्जेशन विल बी ओवर बर्डन, दिस ऑल्सो रिक्वायर हैवी कंक्रीट रिफिलिंग।